नमस्कार, वेबदुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अमेरिका ने पाक अधिकृत कश्मीर में मानवाधिकारों की स्थिति पर जताई चिंता। पाक अधिकृत कश्मीर में मानवाधिकारों की स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता मार्क टोनर ने कहा कि पीओके में मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर हम चिंतित हैं। हमने अपनी मानवाधिकारों की रिपोर्ट में इसका जिक्र कई साल तक किया है। उन्होंने कहा कि हम हमेशा से पाकिस्तान में सभी पक्षों से अपील करते आए हैं कि वे अपने मतभेदों पर शांतिपूर्ण तरीके से और एक वैध राजनीतिक प्रक्रिया के तहत काम करें। उल्लेखनीय है कि इस माह की शुरुआत में गिलगित बल्टिस्तान क्षेत्र में मानवाधिकारों के उल्लंघन और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे। रियो ओलंपिक में पदक विजेता साक्षी मलिक भारत लौटी, जोरदार स्वागत। रियो ओलंपिक में भारत को पहला पदक ब्रॉन्ज दिलाने वाली महिला पहलवान साक्षी मलिक बुधवार तड़के दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उतरी और यहां मौजूद लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। हरियाणा सरकार के 5 मंत्री भी साक्षी के स्वागत में एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। एयरपोर्ट से साक्षी के बहादुरगढ़ पहुंचने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उनका स्वागत किया। दुनिया में बजा भारत का डंका, सबसे अमीर देशों में हुआ शामिल। लगता है कि अच्छे दिन की शुरुआत हो गई है। भारत ने एक बार फिर दुनिया में अपना डंका बजाया है। दुनिया के सबसे अमीर देशों की फेहरिस्त में अब भारत भी शामिल हो गया है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इटली जैसे देशों को पछाड़ते हुए भारत ने टॉप 10 अमीर देशों में 7वां स्थान हासिल किया है। इसमें भारत की कुल वैयक्तिक संपदा 5,600 अरब डॉलर की है, जबकि सूची में शीर्ष स्थान पर अमेरिका है। न्यू वर्ल्ड वेल्थ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान 7वां है और वह कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इटली से पहले आता है। इन 3 देशों का स्थान सूची में क्रमशः 8वां, 9वां और 10वां है। दुनिया में शीर्ष स्थान पर अमेरिका है। अमेरिका में यह संपत्ति 48,900 अरब डॉलर की है, जबकि दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर जापान आता है, जहां वैयक्तिक संपत्ति क्रमशः 17,400 अरब डॉलर और 15,100 अरब डॉलर की है।